दोस्तों आपका बजट है 25,000 और आपको इसी बजट में एक आईफोन परचेस करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए भाई, क्योंकि आपको 25,000 रुपये में भी आपको आईफोन देखने को मिलेगा। पर भाई कब मिलेगा ये आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि साल में एक ही बार मौका मिलता है आईफोन परचेस करने का, वो रहता भाई दिवाली से पहले एक सेल आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से और अमेज़ोन की तरफ से। तो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन सेल और साथ में अमेज़ोन का ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल, ये दोनों सेल भाई आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देंगे और आपको इनमें काफ़ी सारे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे भी। और उन्हीं में से आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन है ना, जैसे 11, 12, 13, 14 और 12 तारीख को भाई आईफोन 15 भी लॉन्च होने वाला। तो भाई 14 तक के ना जो भी आईफोन है आपको काफ़ी कम बजट में मिलेंगे। और वैसे तो आप सभी को पता ही है कि आईफोन काफ़ी महंगे होते हैं, तो इस सेल का ना इंतज़ार भाई काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो भाई अगर 25,000 रुपये आपका बजट है और आपको आईफोन परचेस करना है तो भाई आप 11 को ले सकते हैं। जैसे कि भाई आप सभी को पता है कि 11 जो है ना वो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है भाई। व्हाइट कलर वाला जो फ़ोन ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और वहीं पे बात करें जैसे कि ग्रेट इंडिया फेस्टिवल और साथ में बिग बिलियन सेल सेल में ना, तो ये लगभग 25,000 या 26,000 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। तो भाई आप सभी को पता है कि अगर 25,000 रुपया आप बजट बना के रखें तो आप 2,000 या 3,000 रुपया और थोड़ा तो लगा ही सकते हैं आईफोन के लिए। अगर आईफोन आपके पास है तो भाई आप सभी को पता ही है कि आईफोन का लोगो दिखाकर आप इधर उधर थोड़ा माहौल बना सकते हैं और अच्छा खासा दबदबा आपका बना रहेगा। तो आगे मैं आप सभी को बताता हूँ कि भाई आप जैसे कि आपका बजट है 25,000, तो इसमें से आप 11 को ले सकते हैं भाई, क्योंकि भाई आपको 25,000 रुपये के आसपास में 11 देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर आपका बजट है भाई, जैसे कि आपका बजट हो गया 30,000 या 35,000, तो आप 11 के पीछे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि भाई 11 में आपको 4/64 देखने को मिलेगा स्टोरेज दिया गया है, और साथ में कैमरा तो सभी में सेम देखने को मिलेगा। और उसके बाद में इसका जो चिपसेट है ना 11 का, ये आपको बायोनिक 13 देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर 30,000 से 35,000 आपका बजट है और आप ले सकते हैं भाई 12 को, भाई इसमें 6GB और साथ में 128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बेस्ट है। और आईफोन का लुक भी भाई काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा, और ये भी आईफोन सबसे ज़्यादा बिकने वाला आईफोन है। और वैसे तो आप सभी को पता है कि 3 कैमरा वाला फ़ोन भाई काफ़ी कम, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो लोग होते हैं उन लोगों के पास होता है। और जैसे कि अगर बजट होता 50,000 60,000, जैसे जब आईफोन लॉन्च करता है तो 50,000 60,000 इसका बजट रहता है, तो उनमें से आप लोग जाकर बहुत से लोग होते हैं परचेस कर लेते हैं। पर ग्रेट इंडिया फेस्टिवल और साथ में बिग बिलियन डेज पर आपको ना इसी फ़ोन का प्राइस काफ़ी कम देखने को मिलता है। वैसे तो आपको अगर लेना चाहते हैं, जैसे 13 लेना चाहते हैं या फिर 14 लेना चाहते हैं, तो आपको लगभग 40,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये के अंदर में भाई आपको 13 और 14 दोनों देखने को मिलेगा। जैसे जो 13 है ना 6/128 और 6/256, ये दोनों ना आपको 40,000 से 50,000 रुपये के अंदर में देखने को मिलेगा। तो भाई अगर 50,000 रुपये का बजट है तो भाई आप 13 के साथ में जा सकते हैं। और इसमें भाई मैं आपको 2 कैमरा वाले इस आईफोन को बताया हूँ, इसमें मैंने किसी भी 3 कैमरा वाले फ़ोन को नहीं बताया। तो इसमें जो भी इस फ़ोन हमने सेलेक्ट किया वो 2 कैमरा वाले हैं। यहाँ पर 11 को सेलेक्ट किया है, 12 को सेलेक्ट किया है, साल में 13, साथ में 14 को, ये आपको 40,000 से 60,000 रुपये के बीच में देखने को मिलेगा। तो यहीं पर अगर बात करेंगे जैसे कि आप 13 बाई करने को सोच रहे हैं, तो भाई आप जा सकते हैं 40,000 से 45,000 रुपये के आसपास में आपका बजट होना चाहिए, क्योंकि भाई आप आईफोन ले रहे हैं, क्योंकि कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं ले रहे हैं। आपको पता ही है कि आईफोन ब्रांडेड फ़ोन है। और वहीं पर अगर 14 बाय करने की सोच रहे हैं तो आपको 60,000 या 55,000 ऐसे में आपको देखने को मिलेगा। पर अभी भाई आप थोड़ा शांति बनाए रहें, आपको जब ग्रेट इंडिया फेस्टिवल और साथ में फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज जब सेल ओपन हो जाएगा ना, तो आपको पूरा लाइव इसका सभी प्राइस देखने को मिलेगा। और वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं भाई फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज और साथ में ग्रेट इंडिया फेस्टिवल अमेज़ोन पर भाई मैं लाइव दिखाऊंगा कि भाई किस आईफोन का प्राइस कितना हो कितना है। और वैसे मैं लाइव रहूंगा भाई लगभग, जैसे कि 8 दिन तक चलेगा ना, मैं लगभग 2 से 3 घंटा मैं लाइव जरूर आऊँगा आप सभी के लिए, और आप सभी को दिखाऊँगा भाई कि कौन सा फ़ोन जो है ना कितने प्राइस में है और कौन सा फ़ोन भाई किस प्राइस में लेना बेस्ट रहेगा। तो ये सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में जब लाइव आऊँगा, जब ग्रेट इंडिया फेस्टिवल और बिग बिलियन डेज का सेल चलेगा तब आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, अभी आप किसी भी स्मार्टफोन को बाय मत करें, क्योंकि भाई आपको पता ही हो गया कि आजकल जैसे कि अगर फ़ोन खरीदेंगे जो 35,000 या 40,000 या 50,000 रुपये है, अगर उसमें ग्रेट इंडिया फेस्टिवल पर खरीदेंगे तो जो 35 में रहेगा भाई वो आपको लगभग
30 या 29 के में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड लगा रहे हैं या बैंक अकाउंट से आप परचेस कर रहे हैं तो उसमें 1 से 1.5 हज़ार या 2 हज़ार रुपये और कम हो जाता है, यानी कि आप 27 से 28 हज़ार रुपये में ले सकते हैं। जो फ़ोन आपको 30 हज़ार में मिल रहा है वो आप ले सकते हैं भाई 25 हज़ार रुपये के अंदर में, कार्ड लगाकर या फिर बैंक अकाउंट से। तो भाई आप इस सेल का इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि आपको इतने कम प्राइस में भाई इतने अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सब्र रखना ही चाहिए। ये ग्रेट इंडिया फेस्टिवल का सेल जो है ना सितंबर के लास्ट में या फिर भाई अक्टूबर के फर्स्ट में स्टार्ट हो जाएगा, ये 8 दिन तक चलता है भाई। तो आप इसमें जितने भी फ़ोन है ना आप जाकर बाय कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप में से जो भी भाई आईफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन बाय करने को सोच रहे हैं तो आप अभी बिल्कुल भी बाय ना करें, क्योंकि भाई ग्रेट इंडिया फेस्टिवल के इंतज़ार करें और वहीं पर जाकर अपना एक अच्छा स्मार्टफोन और साथ में आईफोन या परचेस करना चाहते हैं किसी भी स्मार्टफोन को ले सकते हैं। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे हिसाब से काफ़ी यूजफुल रहा होगा भाई। चलो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।